वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर है। तो इसके क्वेश्चन किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? यदि एक्स बराबर 1 + i² / √2, तो x^6 + x^4 + x/2 + 1 = क्या होगा? तो i बराबर यानी कि आयोटा बराबर होता है -1। तो आई की जगह पर -1 का मान रख करके इसको सॉल्व करेंगे तो 0 उत्तर आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। यह 15 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 130 मीटर है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? अब इसकी चाल है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। मीटर प्रति सेकंड बदल लेंगे और 15 सेकंड में जो दूरी तय करेगी ट्रेन, उसमें से हमें 130 मीटर को घटा देंगे, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। ऑप्शन बी यानी 120 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आरेख में ओ वृत्त का केंद्र है। यदि पी एस एस पर वृत्त की स्पर्श रेखा है और कोण ओ एस क्यू बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण एस पी आर ज्ञात करो। यानी कि एस पी और ई आर, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। जब दो त्रिज्याएं बराबर हो तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो त्रिज्या पर बनने वाले कोण बराबर, तो ये 50 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा? ये भी 50 का हो जाएगा। ये वाला कोण 50 का हो जाएगा, 50 डिग्री का। जब ये 50 का हो जाएगा तो ये कोण 130 डिग्री का हो जाएगा, ये वाला कोण 130 डिग्री का। और ये 50 का है, और ये हमेशा जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 50 का है तो ये वाला कोण 40 डिग्री का हो जाएगा। 40 और 130, तो ये वाला कौन हो जाएगा 40 और 30 हो जाएंगे 170, तो 10 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पी कोण 10 डिग्री का हो जाएगा। ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए दिए, फिर 3,000 रुपये सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर देता है। तो दोनों दोनों कुल मिलाकर के 2,200 रुपये ब्याज के रूप में देते हैं। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं साधारण ब्याज का सूत्र होता है आर पी एम बटा 100। तो यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा 5,000 × 2 ×
आर बटा 100, फिर प्लस 3000 इंटू आर बटा 4 बटे 100, और टोटल ब्याज होया 2200 रुपये। अब यहाँ दो जीरो से ये दो जीरो कट गई, फिर यहाँ दो जीरो से दो जीरो कट गई। अब ये हो जाएगा 5 × 2 = 10R, 10R प्लस 30R, सॉरी 4 × 3 = 12, तो ये होगा 4 × 3 = 12 यानी कि 120। तो ये दोनों टोटल हो जाएंगे 120R, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुई थी, यहाँ की इस जगह 5000 है, तो ये एक जीरो और रहेगी तो 100R हो जाएगा। 100R और 120 बराबर हो जाएंगे 220R। तो 220R से जीरो से जीरो और 22 से 22 कट गया, बचे 10, 10% R बराबर आ जाएगा 10%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब x^(-3x³)(-2x²)-5x+7 को x-2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? -3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के दो और विद्यार्थी सम्मिलित हो तो उनका औसत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। 12 वर्ष कैसे हुआ? 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, अर्थात एक छात्र की आयु कितनी हुई? 11 वर्ष। तो यहाँ भी तो इनकी भी कितनी होनी चाहिए? 11 वर्ष होनी चाहिए। तो 11 वर्ष यहाँ से लेंगे तो इस पे कितने बच जाएंगे? 4। यहाँ से भी 11 लेंगे तो इधर बच जाएंगे 6। तो 6 × 4 = 10 वर्ष बच रही है। तो दस को हम 10 में बांट देंगे तो 11 × 1 = 12 यानी 12 वर्ष हो जाएंगे। ये तरीका सीधा सा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम दस पुरुष एक कार्य को 15 दिन में करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं, फिर 15 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में पूरा करती है। अब दोनों मिला करके यानी कि पुरुष और महिलाएं मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगी? तो इसके लिए यहाँ पर पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर है, तो ये 15 और ये 12, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 60 आ जाएगा। और 60 कैसे आया? तो ये आया 15 × 12 = 60 और 15 × 4 = 60, तो टोटल काम हो जाएगा 9
तो 60 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 60/9 बराबर 9×6=54, 6/9। दो बटा तीन, यानी 6 से ही 2/3, तो 6 से ही 2/3 आएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका महत्तम समावर्त 13 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो ऐसे दो जोड़े बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से गुणा करें और गुणनफल को उसके व्युत्क्रम के वर्ग से भाग दें, तो प्राप्त भिन्न 18/26/27 प्राप्त हो, तो मूल भिन्न क्या होगी? तो इन चारों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है, तो इसका 52 हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन है, */21 * *189 = 1 में दोनों स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? तो स्टार के यानी कि 21 * 189 का जो गुणनफल होगा, अगर इसी का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो इसका गुणनफल तो 3×9=9 होगा, लेकिन जब इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो 63 आएगा। अतः इसका करेक्ट आंसर 63 होगा, ऑप्शन वी। आकृति में यदि CD समांतर EF समांतर AB, तो x का मान हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा काटती है, तो एकांतर कोणों का मान बराबर होता है, तो जितना ये है उतना ये है, तो ये 70 होगा, पूरा 70 डिग्री, 70 डिग्री होगा। और इस तरह के जो कोण होते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच में, जो कोण बनते हैं उनका मान 180 डिग्री होता है, दोनों का योग, इसका और इसका योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ 140 है, तो इसका मान हो जाएगा 40 डिग्री, 40 डिग्री इस कोण का मान हो जाएगा, और 30 डिग्री इस कोण का मान हो जाएगा बाई वाले का। तो 2y है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 252 रुपये ए बी और सी में बांटे जाते हैं, ताकि ए का हिस्सा बी और सी के हिस्से के योग का 5/7 है, और बी का हिस्सा ए और सी के हिस्सों के योग का 5/9 भाग है, तो सी का हिस्सा किसके बराबर होगा? तो हम जानते हैं कि ए का कितना है 5, और
बी सी, बी प्लस सी का बराबर हो जाएगा 7, तो 7 और 5 12 हो जाएगा टोटल। तो इससे इससे हम निकाल सकते हैं, तो 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 मतलब 21, 5 और 5 दून 10, 105 तो इसका हो जाएगा, फिर 7 7 दूनी 14 147 बी सी का हो जाएगा। फिर अगला निकालेंगे हम ए और सी, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से की योग का, तो इसमें बी का हिस्सा देखते हैं, इसमें दूसरे और दूसरी साइड में 5 है और ए सी का है, ए प्लस सी बराबर है 9। अब यहाँ देख सकते हैं 9 और 5 14 है, तो 14 का भाग हम 252 में देंगे, तो 5 और 4 5 और 9 14 होते हैं, तो 14 का भाग देंगे तो 14 का भाग 252 में देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 14 एकम 14 और 14 8 112 18। अब हम अठारह को हम 5 से गुणा कर लेंगे, 18 5 90 9 9 तो ए प्लस सी का हिस्सा आ गया 162। अब बी का हिस्सा हमें दे रखा है, इसमें पूछा जाएगा सी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा कितना 90 है, 147 में 90 घटाएंगे तो हमें 7 और 5 यानी 57 आंसर आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चीनी की कीमत में 20% की कमी एक गृहिणी को 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदने में सक्षम बनाती है, चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत क्या होगी। तो ये हल करने पर हमें 10 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। त्रिभुज पी क्यू आर की दो माध्यिकाएं पी एस आर टी और जी पर एक दूसरे को काटती है तो समकोण पर काटती है, यदि पी एस 9 सेंटीमीटर आर टी 6 सेंटीमीटर हो तो आर एस की लंबाई क्या होगी। तो इसकी लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल करने पर। एक व्यापारी अपने माल पर 80% अधिक का अंकन करता है और 25% की छूट दे देता है, इसके अलावा अपना माल बेचते समय वह 10% वजन कम देता है, तो व्यापारी का शुद्ध लाभ क्या होगा। 50%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे हमारे क्वेश्चन मैथ के, अब चलते हैं हम साइंस के क्वेश्चनों की ओर। रडार का पूरा नाम क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ऑप्शन ए। कॉलम को कॉलम से मिलाना है, वैज्ञानिक और डिस्कवरी एंड खोज को मिलाना है। गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की, सेकंड
चैडविक ने न्यूटन की, थर्ड जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, चार और जॉन डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था। तो एक तीन चार, दो तीन चार एक, दो तीन चार एक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कौन सा जल शुष्कक का सबसे अच्छा उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिका जेल, ऑप्शन ए। मिट्टी का तेल और पिघला मोम जलने के समय बाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। पदार्थ को जलाने के समय बाष्पित होते हैं, पदार्थ जो जलने के समय बाष्पित होते हैं वे ज्वाला देते हैं। तो कथन दोनों ही सही है और सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? हल्दी के तने से प्राप्त किया जाता है, तो तना इसमें दे नहीं रखा, तो इसमें प्रकंद दे रखा, ऑप्शन ए होगा। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, दो तत्व है, दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो इन तत्वों को कहा जाता है, तो इनको कहेंगे संभारिक, तो आइसोटोप कहेंगे इसको। द्रव्यमान समान है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सॉरी, इसमें आइसोटोप नहीं होगा, आइसोटोप को बोलते हैं समस्थानिक। आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, एक मिनट, समस्थानिक, तो इसमें आइसोबार्स होएगा, आइसोबार को बोलते हैं संभारिक। तो संभारिक आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आइसोबार्स। मिर्च में तीखापन किसकी वजह से होता है? तो कैप्साइसिन की वजह से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पायरोमीटर, पायरेलियोमीटर का प्रयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? तो इसमें हो जाएगा अक्लडाड, ऑप्शन ए। संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन डी होगा। उच्च सीटेन संख्या लेकिन निम्न ऑक्टेन संख्या वाला ईंधन निम्न में से किस इंजन के लिए आदर्श है? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डीजल इंजन, ऑप्शन बी। संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए। पेट्रोल में एथिलीन डाइब्रोमाइड मिलाने से ईंधन की ऑक्टेन संख्या बढ़ जाती है। पायस के गुण बताने हैं। पायस प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए टिंडन प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तेलीय पायस जलीय पायस की अपेक्षा अधिक विस्कस होते हैं, चिपचिपे होते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तनाव विकृति वक्र में लोच सीमा वह बिंदु है जहां तक अगर भार हटाया जाए तो मूल लंबाई और आकार पुनः प्राप्त हो जाता है, ऑप्शन सी
करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष पढ़ी जानी चाहिए, ऑप्शन ए आंसर होगा। जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? ये कंपनियां जापान की थी, ऑप्शन डी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है, कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी। जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया? तो यह था जोधपुर और डूंगरपुर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान था चौथा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने REBP नीति को मंजूरी दे दी, तो इसमें ई का अर्थ है इलेक्ट्रिक। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, ऑप्शन सी। हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोबर धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? सांचौर और जालौर, ऑप्शन ए। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? राज्य सूचना आयोग द्वारा। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? दिसंबर 2023 तक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। कथन पढ़ के जवाब देना है। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, सही है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे जसवंत सिंह। कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है?
जनगणना, जनगणना ग्राम सभा का कार्य नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, वसुंधरा राजे, ऑप्शन बी। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? जयपुर जिले में। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। अठारह अप्रैल 1948 को, ऑप्शन बी। चामंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? 12 वर्षों तक। निमाड़ी, निमाड़ी उपबोली है, मालवी की है, ऑप्शन डी। कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन ए। सत्य कथन की पहचान करनी है। लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागौर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए, गलत है। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, ये भी गलत है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, तीसरा सही, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चौरासी खंभों की छतरी, गलत युगों की पहचान करनी है। चौरासी खंभों की छतरी ये बूंदी में है, कोटा में नहीं है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर में है, ये सही है। मामा भांजा की छतरी जयपुर में नहीं है, ये अलवर भरतपुर की तरफ है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ में है, तो इसमें पहला और तीसरा गलत है, ऑप्शन बी। सुदर्शन गढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? नाहरगढ़ दुर्ग का नाम है। भारतीय प्राचीन लिपिमाल के प्रसिद्ध लेखक कौन है? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, ऑप्शन ए। चार चौमाका शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा जिले में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा। युद्धों का कालक्रम बताना है। तराइन का प्रथम युद्ध सबसे पहले हुआ था, फिर ग्रीष्मेल का युद्ध दूसरे नंबर पर हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और चौथा। तो पहला और चौथा ऑप्शन बी में आ रहा है। डोंग जी जवाहर जी किस जिले के थे? डोंग जी जवाहर जी सीकर जिले से हैं। मीणा क्षत्रिय, मीणा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1933 ईस्वी में। राव वीकाने किस वर्ष वीकानेर नगर की स्थापना की? 1488 ईस्वी में। बैणेश्वर का मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई नृत्य की। विग्रह राज रचित रचना हरकेली है, यह एक नाटक है। लालनाथ जी किस संप्रदाय के संत थे? जसनाथी संप्रदाय के।
बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवता से है? तो यह आई माता से है, ऑप्शन सी। खंगवाड़ी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? गले में खंगवाड़ी पहनी जाती है। निसारदीन और साहिबद्दीन ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? तो यह है मेवाड़ चित्र शैली से। पन्ना मीणा का कुंड स्थित है, जयपुर में है। पन्ना मीणा कुंड जयपुर में। राजस्थान की कौन सी झील को रामसर वेटलैंड कन्वेंशन में शामिल किया गया है? सांभर झील को। कौन सा सुमेलित नहीं है पुरातात्विक स्थल और नदी? जोधपुरा सावी नदी किनारे है, ओजियाना खारी नदी किनारे है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में गगन नदी के किनारे पर है, बालाथल ये कातली नदी के किनारे पर नहीं, कातली नदी के किनारे पर है गणेश्वर सभ्यता। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है? उदयपुर चित्र शैली का चित्र है, ऑप्शन डी। आगीवाण के संपादक थे जय नारायण व्यास। आगीवाण के संस्थापक जय नारायण व्यास। सूची को सूची से मिलाना है तो जसवंत थड़ा पर्यटन स्थल है जोधपुर में, तो इसका हो जाएगा 3। लालगढ़ महल ये बीकानेर में है तो इसका हो जाएगा 4। तो 3-4 कहाँ पे है? 3-4 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान की SDG रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी की जाती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है 5 वर्ष। राजस्थान की जलवायु से संबंधित कथन बताने हैं। पूरब से पश्चिम की ओर एवं दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है, सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ये भी सही है। तो इसके तीनों कथन सत्य है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा क्या है? तो फेंटा सिर का एक वस्त्र है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कथनों को सही चयन करना है। लूनी बेसिन गोंडवाना प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, ये भी सही है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में है, तो गग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में है, तो यही इसका गलत होगा। तो ऑप्शन 3 किस में है?
तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भरतपुर जिले में, पाए जाते हैं सांसी। सांसी जनजाति के लोग। सांसी जनजाति के लोग भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो ए का मतलब होता है एरिड यानी शुष्क क्षेत्र, तो शुष्क क्षेत्र सीकर और चूरू नहीं है। सीकर और चूरू एस एच ए यानी अर्ध शुष्क है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा आंसर। गोवंश की कौन सी नस्ल मालाणी भी कहलाती है? तो मालाणी सिंध और पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, बाड़मेर क्षेत्र में, तो ये हो जाएगी थार पारकर, ऑप्शन सी। आनंदपुर भूकिया और तिमारन माता प्रसिद्ध है स्वर्ण निक्षेपो हेतु, ऑप्शन सी। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मिट्टी यानी मध्यम काली, ऑप्शन डी। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? चित्तौड़गढ़ जिले का है, ऑप्शन बी। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का निम्नतम लिंगानुपात पाया गया है? झुंझुनू जिले में। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी फूलदानों प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कोटा जिले की है, ब्लैक पॉटरी फूलदान और मटकों के लिए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू की, निम्न में से कौन तेंदुए पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? तो इसमें कुंभलगढ़ अभयारण्य है, झालाना अमागढ़ है, मनसा माता है, लेकिन जयसमंद अभयारण्य नहीं है उदयपुर का। परियोजनाओं को मिलाना है। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ चूरू में है, नर्मदा परियोजना जालौर नर्मदा नदी पर है, जालौर और बाड़मेर में है। जवाई परियोजना पाली में है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। तो सिद्धमुख परियोजना है हनुमानगढ़ और चूरू में, नर्मदा परियोजना जालौर और बाड़मेर में है नर्मदा नदी पर, जवाई परियोजना पाली जिले में है, और जाखम परियोजना प्रतापगढ़ जिले में है। सोमवाही जाखम ये प्रतापगढ़ जिले में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। इसका उद्घाटन
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किया था। सही है। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, ये गलत है, इसको वो ग्रीन टैग के नाम से जानते हैं। ग्रीन टैग, यह रूपनगर अजमेर में स्थित है। सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है। पटेलिया, लालर, मूमल, बीचियो, ये राजस्थानी लोकगीत है। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? दिवैर के युद्ध को कहा था। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया? दादू दयाल जी को, ऑप्शन बी। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी थी, ऑप्शन सी। लसाड़िया का पठार राजस्थान के उदयपुर जिले में है। जयपुर मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत किस वर्ष होती है? 2015 में। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में मिलता है? दक्षिण पूर्वी भाग में मिलता है, यानी बूंदी में। कौन सा वित्तीय संस्थान राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? राजसिको, ऑप्शन ए। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? रेड टॉक को। राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करो। धौलपुर एक, अजमेर दो, पाली तीन, जैसलमेर चार। चार तीन दो एक, ऑप्शन सी। पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? अजमेर में। और लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। राजस्थान के लिए कहावत अकाल से संबंधित है, तीजो कुरियो आठवो काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? अर्धकाल, ऑप्शन बी। तो ये हमारे कंप्लीट 100 प्रश्न होते हैं। बनपाल में किस तरह का पेपर आया था ये आप देख लेना, और इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन अगली एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।